तो महानायक अमिताभ बच्चन के साथ उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों को हल्का संक्रमण है। एंटीजन टेस्ट से दोनों के संक्रमित होने का पता चला था, जिसके बाद उन्हें नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद अब ऐश्वर्या राय बच्चन को भी कोरोना हो चुका है। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की एक्टिंग को पसंद करते हैं, उनकी मूवीज को देखना आपको अच्छा लगता है, तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद अगर बात करें परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में, तो परिवार के अन्य सदस्यों के साथ स्टाफ के सदस्यों का भी टेस्ट कराया गया था, जिसमें जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों को कोरोना नहीं है। स्टाफ के सदस्यों की जाँच रिपोर्ट का इंतजार है। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करके ये बताया है कि वो और उनके पिता दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों में कोरोना के माइल्ड यानी कि हल्के लक्षण मिले हैं। हमने सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया है। हम आप सभी से शांत रहने की अपील करते हैं। हम मुंबई महानगर निगम पालिका के संपर्क में हैं। इससे पहले महानायक अमिताभ बच्चन जी ने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की खबर खुद ट्वीट करके लोगों को दिया था। तो दोस्तों, मैं भी आशा करता हूं कि ये दोनों जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अमिताभ बच्चन जी और अभिषेक बच्चन जी। आप क्या चाहते हैं आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, मैं ये भी आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग जितना हो सके घर पर ही रहिए, खुद को और अपने परिवार को भी बचाइए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।